देने पड़ेंगे अगर टीचर को नहीं पता लगा तब। तो वो पास पर डिपेंड नहीं कर रहे भी कितने मार्क्स आए हैं, कैसे आए हैं, मार्क्स पर डिपेंड नहीं कर रहे। मार्क्स इंपोर्टेंट है भी पहले बच्चे ने एडमिशन लिया था 10th क्लास में, अब बच्चे के इतने मार्क्स बन गए, 80% मार्क्स बन गए, कैसे आए, ट्यूशन से आए, स्कूल पढ़कर आए, इट डज नॉट मैटर। पाथ डज नॉट मैटर, इनिशियल और फाइनल स्टेज पर जो डिपेंड करता है उनको हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन कहते हैं। तो स्टेट फंक्शन हमारे पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। वॉल्यूम भी स्टेट फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज है, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज देखो, इंटेंसिव में क्या आ रहा है, आई आ रहा है, हम इसको याद रखते हैं आई से इंटेंसिव और आई से इंडिपेंडेंट। आई से इंटेंसिव और आई से क्या आ गया, यहां पर आई से इंटेंसिव और आई से क्या आ गया, इंडिपेंडेंट। ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर से क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, जो इस बात पर ना डिपेंड करें कि क्वांटिटी ऑफ मैटर कितना है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। भी अमाउंट कितना है, इस पर नहीं फर्क पड़ रहा, चाहे अमाउंट सब्सटेंस का थोड़ा है चाहे अमाउंट सब्सटेंस का ज्यादा है, अगर वैल्यू सेम रहती है तो उसको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे, और अगर वैल्यू चेंज हो जाती है, क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, तो उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे उसको, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होगी, विच डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है टेम्परेचर। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें मैंने वॉटर रख रखा है और इक्वली हीट डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है। मेरे पास एक बहुत बड़ा कंटेनर है, उसमें बहुत सारा पानी पड़ा हुआ है, तो मैं थर्मामीटर से इसका वाटर का टेम्परेचर चेक करूंगा, तो टेम्परेचर क्या आएगा, सेम आएगा। चाहे मैं पूरे जो हमारा कंटेनर है, पूरा टैंक है, उसमें चेक करूं, चाहे इसमें से मैं एक बाल्टी भर लूं, चाहे मैं इसमें से जो है एक जग भर लूं, चाहे एक गिलास, अगर वाटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, गर्म गर्म नहीं कर रहे हम एक्स्ट्रा, अगर हीट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पानी चाहे थोड़ा है चाहे पानी ज्यादा है, मींस चाहे सब्सटेंस कम है चाहे ज्यादा है, तो उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ऐसे ही प्रेशर भी इसी में आता है, प्रेशर भी क्या आता है, इसी के अंदर आता है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या आ गया, जैसे मास हो गया, जैसे वॉल्यूम हो गया। इसके लिए हमारे पास एक बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट कह सकते हो या एक मेथड होता है। सपोज करो मैंने एक कंटेनर लिया इस टाइप का, क्यूबॉइडल कंटेनर है, और इस क्यूबॉइडल कंटेनर में मैंने कोई गैस फिल कर ली, इसमें मैंने क्या कर ली, कोई गैस फिल कर दी, इसमें गैस फिल है, यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड। उस गैस का टोटल वॉल्यूम कितना है, वो वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, और प्रेशर क्या है, P। टेम्परेचर T, वॉल्यूम V, प्रेशर P। मान लो इसका मास M है, मास है, कोई भी मास होगा। मान लो इसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी है, हीट है, गैस के अंदर इंटरनल एनर्जी प्रेजेंट है, हीट प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस गैस को ये एज इट इज रखा, इस गैस के इस बीकर को सपोज करो मैंने पार्टीशन कर दिया बिल्कुल सेंटर में से।
बिल्कुल सेंटर में एक वॉल लगा दी, एक पार्टीशन कर दिया। मैंने सेंटर में पार्टीशन इस हिसाब से किया कि ना तो गैस इसमें से बाहर निकली, ना ही कोई ऐड हुई। बिल्कुल एक स्मॉल जो पार्टीशन है वो मैंने इसमें कर दिया। ये इनिशियल कंडीशन थी। अब देखो इस पार्टीशन के बाद ये वाला वॉल्यूम क्या हो गया, आधा रह गया वॉल्यूम बी बाई टू। इस वाले गैस का वॉल्यूम बी क्या हो गया, हाफ हो गया। हमने क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस चेंज की तो वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज हो गया। इट मींस वॉल्यूम क्या है, एक्सपेंसिव हो गया। लेकिन टेम्परेचर दोनों का सेम रहेगा क्योंकि हमने कोई हीट नहीं किया, ना ही इसमें से हीट हमने निकाली। तो हीट टेम्परेचर क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। प्रेशर भी सेम रहेगा, प्रेशर भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मास चेंज हो जाएगा, इसका मास अब m बाय टू हो गया, इसका मास भी m बाय टू हो गया। क्योंकि हमने बिल्कुल एग्जैक्ट पार्टीशन किया है तो दोनों गैसेस का मास क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ हो जाएगा। हीट की बात करते हैं तो इसके अंदर जो हीट है, जो एनर्जी है, वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हीट भी हमारी क्या होगी, यहां पर मैं इंटरनल एनर्जी कह देता हूं, इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी हमारे पास, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। तो स्टूडेंट्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी भी एक हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर हमसे पूछा जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगी, जो किस पर डिपेंड करती है, क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड करती है, दैट वो होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करती उसको हम क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो जो हमने डेफिनेशन की है, डेफिनेशन के अंदर हमारे से पूछेंगे भी इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, विद एग्जांपल्स हमने क्या कर ली डेफिनेशन। एक और बात नोट करने वाली है यहां पर, समटाइम्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज मे बिकम इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज भी बन जाती हैं। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल होता है, इसका एग्जांपल होता है डेंसिटी। क्या एग्जांपल है, डेंसिटी। सब्सटेंस की डेंसिटी फिक्स रहती है, चाहे सब्सटेंस हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी में है, चाहे सब्सटेंस हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में है। सब्सटेंस की डेंसिटी क्या रहती है, फिक्स रहती है, सेम रहती है। और डेंसिटी होता क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी है। और डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, मास भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन जब हमने मास पर यूनिट वॉल्यूम कर दिया तो इट बिकम्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वो क्या बन गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन गई। तो ये हमारे पास क्या होता है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। यहां तक कोई डिफिकल्टी है तो आप लोग पूछ सकते हो। तो ये हमारे पास कुछ जो थी टर्म्स थी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करवाऊंगा आप लोगों को। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेस क्या क्या होते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।